और ऐ मेरी कौम, ये ऊँटनी तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी मौजज़ा है, लिहाजा तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो और इसे कोई तकलीफ़ ना देना, वरना जल्दी ही तुम्हें अल्लाह का अज़ाब पकड़ लेगा। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ दलील आ चुकी है, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। बस इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चढ़ती फिरे, और इसको बुरी नीयत से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजज़े की बेहरमती। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बतौर मौजज़ा मिलने वाली ऊँटनी की खासियत ये थी कि जैसे ही वो पानी पीती, फौरन उसके थन दूध से भर जाते, और इतने ज़्यादा दूध होता कि इसका दूध निकालने से लोगों के बर्तन दूध से भर जाते। कौम के जानवर इस ऊँटनी से डरते थे, इसलिए ऊँटनी कौम के जानवरों से अलग रहती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में अपनी कौम को समझा दिया था कि इसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अजाब घेर लेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बात को अहमियत ना दी और जमा होकर यह तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि सारा पानी हमें मिल जाए। इमाम इब्ने जर्राह रहमतुल्लाह और दीगर मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि कौम समूद में दो औरतें ऐसी थीं जिन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत थी। उनमें से एक बहुत मालदार और आला ख़ानदान की औरत थी जिसका नाम सदको बिनत मोही था। इसने कबीले असलम के एक आदमी से निकाह किया, फिर उससे तलाक लेकर अपने चचाजाद मिस्र बिन मराज से कहा कि अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दूसरी औरत का नाम अलीज़ा बिनत गमीस बिन मजलस था। ये मालदार आदमी दो अब बिन उमर की बीवी थी। इन दोनों औरतों के पास काफ़ी तादाद में जानवर थे और इनके जानवर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से बहुत डरते थे। अलीज़ा नामी औरत ने कदारत बिन साहब बदमाश आदमी से कहा कि मेरी चार बेटियां हैं, अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मेरी जिस बेटी से चाहोगे तुम्हारी शादी कर दूँगी। ये दोनों नौजवान ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए और कौम के मज़ीद अफराद को भी अपने साथ लेकर होने की दावत दी। इस तरह कौम के साथ मज़ीद बदमाश इनके साथ मिल गए। इन नौ अफराद ने मिलकर कबीले के बाकी अफराद की भी हिमायत हासिल कर ली और ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घात लगा कर बैठ गए। जब ऊँटनी कुएँ से पानी पीकर वापस आई तो मुसद्दा ने इस पर तीर चला दिया जो ऊँटनी की पिंडली की हड्डी में पैवस्त हो गया। अनीरा और उसकी बेटी कदारा की हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़े और उसे खोश जोश दिलाया। कदारा ने ऊँटनी पर तलवार से वार किया और उसकी ऊँचें काट दी जिससे वह ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगी। ऊँटनी का बच्चा दौड़कर करीबी पहाड़ पर चढ़ गया, तीन मरतबा बिलबिलाया। आखिरकार कदारा ने ऊँटनी के गले में नेजा मारकर उसे कत्ल कर दिया। फिर वो ऊँटनी के बच्चे के पीछे भागा, लेकिन पहाड़ शेक हुआ और बच्चा पहाड़ के अंदर चला गया। और सालेह अलैहिस्सलाम को जब ऊँटनी के मरने की इतला मिली तो आप अलैहिस्सलाम फौरन तशरीफ़ लाए और ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर रो दिए। फरमाने लाई है, कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। जब उनमें से बड़े बदबख्त खड़ा हुआ तो उनको अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की ऊँटनी और इसको पानी पिलाने की बारी की हिफाजत करो। लेकिन उन्होंने इस नबी सालेह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और इस ऊँटनी के पांव काट दिए। बस उनके रब ने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया, फिर उन सब का सफाया कर दिया और उसे अल्लाह को ऐसी तबाही के अंजाम से कोई खौफ नहीं है। फिर उन्होंने मोतबर लोगों ने इस ऊँटनी की टांगें काट दी और अपने परवरदिगार के हुक्म से सर सरकशी की और कहने लगे कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तू रसूलों में से है तो जिस अजाब से हमें डराता है उसे ले आओ। हमने कौम समूद को ऊँटनी का वाज़ मौजज़ा दिया, लेकिन उन्होंने इस ऊँटनी पर जुल्म किया। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और इसे कत्ल करने वालों का जिक्र फरमाया। इसे कत्ल करने के लिए एक मजबूत कदार नामी सरदार उठा जिसकी लोगों में बात मानी जाती थी, जैसे कुरैश में अबू माब आदमी है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी के बारे में ना बताऊँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम समूद का सुर्ख फाम आदमी जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर अपनी कौम से खिताब मुखातिब होकर फरमाया, अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, तुम अपने अंजाम का इंतज़ार करो, कल तुम्हारा चेहरा जर्द, परसों सुर्ख और तीसरे दिन काला हो जाएंगे, इसके बाद चौथे दिन अजाब इलाही आ जाएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक दूसरे दिन ही अजाब इलाही की अलामत ज़ाहिर होने लगी और लोगों को अपने बारे में फिक्र होने लगी। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से अजाब को टालने की सूरत दरियाफ्त की और ऊँटनी के बच्चे को भी तलाश किया, मगर वो ना मिला। आखिरकार उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी कौम के बुरे इरादों से आगाह कर दिया और आप अलैहिस्सलाम रात ही रात वहाँ से निकल पड़े। फरमान इलाही है, जब उन लोगों ने इस ऊँटनी की टांगें काट डाली, इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, तुम अपने घरों में 3 दिन तक फ़ायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं हो सकता। और इस शहर में 9 ऐसे सरदार हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह का कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि तुम आपस में अल्लाह की कस्में खाओ कि हम सब मिलकर सालेह अलैहिस्सलाम को और उसके घर वालों को कत्ल कर देंगे, फिर हम उनके वारिस से कह देंगे कि हम तो इस ख़ानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद ही नहीं थे और यकीनन हम सच्चे हैं। और उन्होंने एक चाल चली और हमने भी एक तदाबीर की और इस तदाबीर का एहसास भी नहीं होने दिया। कौम समूद पर अल्लाह ताला का अज़ाब। जब कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मिलने वाली मौजज़े की नाकदरी की और ऊँटनी को हलाक कर दिया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक कौम समूद पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया। उन्होंने ऊँटनी को बुध के दिन कत्ल किया था, वो जुमेरात जुम्मे और हफ्ते के दिन जिंदा रहे। मरतबार के दिन सुबह के वक्त अल्लाह ताला ने उन पर आसमान की तरफ से हैबतनाक चीख मुसलत कर दी, ज़मीन में जनजला बरपा किया जिससे तमाम काफिरों के जिस्मों पर कपकपी तारी हो गई। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान जिस्मों में तब्दील हो गए। सिर्फ वो लोग जिंदा बचे जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे। फिर जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुँचा तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथियों को अपने रहमत से निजात दी और इस क़यामत के दिन की रसवाई से भी महफूज कर दिया। यकीनन तुम्हारा रब नहायत ताकतवर और सब पर गालिब है। और ज़ालिमों को बड़े ज़ोर की चीख ने आ पकड़ा, फिर वो अपने घरों में ऊंधे मुँह गिर के इस तरह हलाक हो गए जैसे कभी वो वहाँ आबाद ही ना थे। आगा रहो, बेशक कौम समूद ने अपने रब का इनकार किया, सुन लो, समूद के लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूरी लिख दी गई है। बस अगर कौम समूद को सुबह होते ही ज़ोरदार आवाज़ हैबतनाक चीख ने आ पकड़ा, फिर उनकी तदाबीर अमल उनके कुछ काम ना आ सकी। फिर देखो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था, बिलाशुबा हमने उन पर एक हौलनाक चीख भेजी, बस वो बाढ़ बनाने वालों की रूंधी हुई घास पोंछने की तरह फुस होकर रह गए। फिर आप देखें उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ, बिलाशुबा हमने 9 सरदारों और उनकी पूरी कौम को तबाह कर दिया और उनके मकानात उनके जालिमों की वजह से वीरान पड़े हैं। बेशक जो लोग इलम रखते हैं उनके लिए बड़ी इबरत है और हम उनको निजात अता फरमाई जो ईमान लाए थे और अल्लाह अज़्ज़ल की नाफरमानी करने से बचते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इजहार अफसोस। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम की तबाही और बर्बादी नहायत गम व हसरत का इजहार फरमाया। फरमान इलाही है, उस वक्त वो सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुंह मोड़ कर चले और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म बजा दिया है और मैंने तुम्हें नसीहत भी की है, लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते। कौम की हलाकत के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वापस हिजरे इलाके में आए और ईमान लाने वाले 4,000 अफराद को लेकर फ़लस्तीन तशरीफ ले गए और अपनी वफात तक वहीं मुकीम रहे। हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम हजर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती के पास से गुजरे तो फरमाया, मौजज़ात का मुतालबा ना किया करो। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ये मुतालबा किया था तो वो ऊँटनी की सूरत में जहर हो गया। वो ऊँटनी इसी रास्ते से पानी पीने आती थी और इस रास्ते से वापस जाती थी। उन्होंने अपने रब का हुक्म ना मानते हुए सरकशी की और उसकी कोंचें काट दी।
एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और दूसरे दिन वो इसका दूध पीते थे। उन्होंने जब ऊँटनी को हलाक कर दिया तो उन पर ऐसी चीख का अजाब आया जिससे वो तमाम हलाक हो गए। सिर्फ एक आदमी बचा जो इस वक्त हराम की सरजमीन में था। साहबा रजी अल्लाह ने अर्ज़ किया, वो कौन आदमी था? आपने फरमाया, वो अबू रगाल था। जब वो हदूद हरम से निकला तो वो भी इसी अजाब की लपेटे में आ गया जो इस कौम पर आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा है रजब 9 हिजरी में रूमियों से जहाद के लिए तबूक तशरीफ ले जा रहे थे तो आप वादी हजर कौम सबूत के कुएं पर कुछ देर ठहरे। साहबा रजी अल्लाह ने फौरन कुएं से पानी लेकर मशकीज़े भर लिए जो कौम सबूत के इस्तेमाल में थे और उससे आटा गूंदना और गोश्त पकाने के लिए पानी लेकर चूल्हे पर हंडिया चढ़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने मशकीज़ों से पानी बहाने और आटा का ऊँटों को खिलाने का हुक्म दिया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को लेकर थोड़े आगे चले और उस कुएँ पर जाकर ठहरे जहाँ से रसूलुल्लाह इस्लाम की ऊँटनी पानी पी करती थी और फरमाया कि इस कुएँ का पानी ले लो जिसका पानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पिया करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजर कौम समूद की बस्ती के पास से गुजरे तो फरमाया, अजाब याफ्ता बस्तियों में ना जाया करो, अगर इंतहाई मजबूरी के तहत जाना पड़े तो रोते हुए अल्लाह से डरते हुए जाओ, कहीं तुम पर भी ऐसा वैसा अजाब ना आ जाए जो उन पर आया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर से मुंह ढांक लिया